Hello guys, once again welcome to Anish channel. Myself Saransh and this is Sonu. छोटा सा एक क्लब है हमारा वर्किंग डॉग क्लब इन सोनीपत. वहाँ से हम आपको आज हमारे अपने एक और नई ब्रीड से मिलवाने लाए हैं जिसका नाम है रॉटवेलर. क्वाइट पॉपुलर ब्रीड, बहुत लोगों को ये पसंद भी हैं और बहुत लोगों के पास इसके कारण मिसकंसेप्शंस भी हैं. तो हम सब उसके बारे में बात करेंगे और आपको थोड़ी बहुत एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा ये ब्रीड क्या है, क्या कर सकती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं. तो रॉटवीलर का ओरिजिन बेसिकली, अगेन ये एक मैस्टिव्स हैं जो बहुत कम लोगों को पता है. ये ओरिजिन मैस्टिव ब्रीड से है और ये मैस्टिव जनरली रोम के ओरिजिन के मैस्टिव्स हैं. ये मैस्टिव ब्रीड्स हैं, उनके ओरिजिन से हैं ये. इनका क्या है, ये बहुत ही अच्छे अटैक और प्लस डिफेंड एज वेल एज गार्ड डॉग्स के थ्रू तरह स्टार्टिंग में ट्रेन करे गए थे. अब इनकी आप बॉडी देखेंगे, जनरली ये भी मीडियम साइज डॉग्स हैं. शॉर्ट स्टिफ बॉडी होती है इनकी, हाईली मसल्ड, बहुत ही मस्कुलर होते हैं, शॉर्ट कोट होता है और क्लासिक इनका ब्लैक और थोड़ा बहुत ब्राउन का एक कोट कलर आता है. ये अभी देखेंगे, ये हाईली मस्कुलर हैं. ये हमारी अभी बच्ची है छोटी, अडल्ट को मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि शी इज़ प्रेगनेंट एज इफ नाउ. तो ये एक बहुत ही मस्कुलर डॉग है. इनके बारे में मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि अरे एग्रेसिव होते हैं, कई कंट्री में बैन है, ये हैं ये ऐसी बात नहीं है कि बैन नहीं है, ये एग्रेसिव नहीं है, बट ये सिर्फ और सिर्फ इनब्रीडिंग और ढंग से केयर ना करने के कारण है. इन डॉग्स को एक्चुअली एक ना सिंगल मदर्स का गार्डियन भी कहा जाता है. बहुत बहुत कंट्रीज में ना सिंगल मदर्स होती हैं, स्पेसिफिकली वहाँ इनको यूज़ करा जाता है फॉर गार्डिंग एज वेल एज कंपेनियनशिप फॉर देयर ओन डॉग. नाउ अब इनके करेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं. शॉर्ट होते हैं इनके. आजकल ना इन ब्रीडिंग के कारण ना ये जो मजल हो रहा है ना हमारे डॉग्स का, देखो ये मजल है, ये मजल छोटा होता जा रहा है. नाक बिल्कुल इसको पक की तरह बनाने की कोशिश करी जा रही है बहुत ब्रीडर्स के द्वारा, तो वो ब्रीड करेक्टरिस्टिक नहीं है. किसी को भी डाउट है तो एक ऑथराइज अमेरिकन कैनल क्लब है, उसकी ब्रीड करेक्टरिस्टिक देखें फिर ही डॉग लें. तो ये बेसिकली इनकी लॉन्ग नोज होती है, शॉर्ट इनका फेस एंड वाइड फेस होता है. इस फेस के साथ ये एक लो मेंटेनेंस डॉग है क्योंकि ये भी वर्किंग लाइन पे डिपेंड करता है और वर्किंग लाइन के होने के कारण ये इसमें कोई ज़्यादा बीमारियाँ नहीं हैं. अगेन पर से कोई इसमें इशू नहीं आता किसी भी तरीके का. शॉर्ट कोट है, ज़्यादा शेड नहीं करता. जिन लोगों को शेडिंग से एलर्जी होती है, डॉग से एलर्जी होती है ना कि बाल निकल रहे हैं उधर रहे हैं, उनके लिए परफेक्ट डॉग है. इसकी शेडिंग मिनिमल है बिल्कुल. कोट केयर के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता. 20 से 25 दिन में एक बार भी अगर हम इसको कॉम करेंगे दैट इज़ इनफ फॉर इट. इसको रेगुलर कॉमिंग की जरूरत भी नहीं है. ज़्यादा एक्सरसाइज की आती है ये, थोड़ा कम एक्सरसाइज पे भी ये आराम से रह लेता है. अराउंड 1 किलोमीटर इन द मॉर्निंग, 1 किलोमीटर इन द आफ्टरनून. ज़्यादा बड़ी जगह की इसको ज़रूरत नहीं होती. बड़ी जगह मिलेगी तो बहुत अच्छी वाली बात है, पर ऐसा नहीं है कि जैसे हमने अभी आपको एक वीडियो में बताया था डच शेफर्ड्स हो गए जिनको बहुत वॉक चाहिए, मेलिनोए को वॉक चाहिए, इनको नहीं चाहिए होती. ये छोटे वॉक्स के लिए ये खुश रहते हैं. अब कुछ लोग कहते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुत्तों को काटते हैं, बच्चों को काटते हैं. ये बहुत ही फ्रेंडली डॉग है, ये किसी को कुछ नहीं काटते. सब कुछ डिपेंड करता है हाउ यू कीप अ डॉग एंड हाउ द डॉग इज ब्रेड. इन ब्रीडिंग डॉग को बांध के रखना, पीटना, मारना, ये तो किसी भी डॉग को एग्रेसिव बना देता है. ये अभी आप देख रहे हैं ये दो डॉग हैं मेरे, बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, एक बार भी ये भोंके भी नहीं है, कुछ भी नहीं करा है. ये सब डिपेंड करता है आप डॉग को कैसे पालते हो. प्लस इस ब्रीड के बारे में बताएं, थोड़े हैवियर साइड में होते हैं. अडल्ट फीमेल विल वेट अराउंड 40 to 50 kgs एंड द अडल्ट मेल 60 to 70 kgs पे आ जाते हैं. एंड हाइट रह जाती है इनकी, इतने शॉर्ट शॉर्ट हाइट होती है, 22 to 24 inches फॉर फीमेल, मेल्स मैक्सिमम 26, नॉट मोर देन दैट. अब कुछ लोगों को ना अजीब से बड़े बड़े रॉटवीलर होते हैं जो 28 inch 30 inch के, वो अगेन ब्रीड करेक्टरिस्टिक नहीं है. आप कभी डॉग शो पे लेके जाओगे वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा. तो इनकी प्रॉपर करेक्टरिस्टिक होती है. कभी भी आप इसकी जो पूछ देख रहे हैं ना, ये पूछ कभी कर्ल नहीं होगी पीछे. बहुत लोगों का देखा है रॉटवीलर की पूछ पीछे कर्ल होती है, कभी पूल कर्ल नहीं होगी. ये सिर्फ और सिर्फ इन ब्रीडिंग का साइन है कि आपकी डॉग की इनब्रीडिंग हो रही है और डॉग की जो ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक है वो नहीं है. ये कभी पूछ कभी ऐसी घूमी नहीं होती जैसे आप गली कुत्तों की देखते हो. उसके बाद ये एज सच लो मेंटेनेंस डॉग है, कोई दिक्कत नहीं है इस डॉग में. हाँ, बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि ये डॉग भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस बहुत यूज़ कर रही है, स्पेशली इन फ्रांस एंड यूएस. यूएस में तो ये एक K9 यूनिट इसकी अलग ही है.
ये डॉग्स अभी से नहीं, ये बहुत पहले से ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर से ही यूज होता है. वर्ल्ड वॉर वन एंड टू में अमेरिकन यूज टू यूज देम एज पोस्टल डॉग्स, क्योंकि इनका इंड्योरेंस, इनकी मसल इतनी ज़्यादा थी कि दे यूज टू कैरी मेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड ट्रेनेबिलिटी इनकी हाई है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग्स हैं. ट्रेनिंग के साथ दे आर एक्सेलेंट डिफेंडर ऑफ होम एज वेल एज योर पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एज वेल एज योर फैमिली ऑल्सो. और ये डॉग पर से एक छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिनके तीन चार लोग हैं, जिनको ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, ज़्यादा एक्टिविटी करा नहीं सकते, वर्किंग स्टफ है. इसकी एक वो वाली बात है कि इसकी रेपुटेशन ऐसी हो चुकी है कि सब लोग डरते हैं इससे, तो डरने के कारण आपके घर का प्रोटेक्शन एक अलग रहेगा. इस डॉग में आप रहेंगे तो एक बहुत ही अच्छी ब्रीड है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी. तो ये अगर डॉग, इस डॉग को अगर हम चूज़ करते हैं फॉर योर होम, तो ये आपके लिए एक्सेलेंट कंपेनियन रहेगा. प्लस इसकी जो कोट, जो कभी शेड नहीं करता, शेड करता है पर ये बहुत लो शेडिंग कोट है, तो इनको एलर्जीज है स्पेशली, उनके लिए बहुत अच्छा डॉग है. और प्लस इसकी रेपो इतनी हो चुकी है कि लोग इससे वैसे डर जाते हैं, तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वेरी वेरी एक्सटेंडिंग, वेरी वेरी हेल्पफुल है. तो अगर आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, जो मैंने बहुत कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करें हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू.